ओके लेक्चर नंबर 4 हॉर्मोन्स इन एनिमल्स. तो विच हॉर्मोन इज सेक्रेट अंडर द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना वो, तो स्टेट द इफेक्ट. एड्रेनल हॉर्मोन इज सेक्रेट फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड इन द बॉडी अंडर फ्लाइट एंड फाइट. ओके जब ये फ्लाइट फाइट कब होता है कि जब आपकी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है तब. फर्स्ट है हार्ट बीट बिकम फास्टर रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ द मोर ऑक्सीजन. ओके तो ये हॉर्मोन तब आएगा. सेकंड ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन रिड्यूस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मसल अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेशन मसल्स. ओके फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई मोर, हार्ट बीट फास्ट, वो फर्स्ट हो गया. सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कॉन्सेंट्रेशन होना या तो मीन्स बड़ा होना छोटा होना मसल्स का. ओके तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स छोटा हो जाना और टेंजाइल मीन्स बड़ा होना. ओके थर्ड द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डायाग्राम ऑफ द रिब मसल्स. ओके ऑल दिस रिस्पॉन्स टूगेदर इनेबल एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन ऑफ द फ्लाइट एंड फाइट, मीन्स इमरजेंसी. क्या इमरजेंसी, ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आ चुका है. जैसे पूछा था तो ऐसे ही एरो बना के दिया था और पूछा था कि ये क्या है, तो यहाँ पे एरो देगा तो हाइपोथैलेमस, यहाँ पे पाइनल, यहाँ पे पिट्यूटरी, ये थायरॉइड, ये पैराथायरॉइड, ये थायमस, ये एड्रेनल, ये पैनक्रिया, ये याद रखना, ये सब कुछ सेम, लेकिन मेल में यहाँ पे टेस्टिस रहता है और फीमेल में यहाँ पे ओवरी रहता है. तो याद कर लो फिर से, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक फिगर बनाई हुई थी और फिगर बनाने के बाद आपको पूछा गया था कि ये एरो दिया हुआ था और एरो से बताया था कि ये कौन सी ग्लैंड है. ओके तो ये पैनक्रिया, एड्रेनल, टेस्टी, थायमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, पिट्यूटरी, पाइनल, हाइपोथैलेमस. ओके स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल हार्मोन. तो एनिमल हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, दे आर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड सेक्रेट फ्रॉम द स्पेसिफिक एड्रेनिक ग्लैंड. तो देखो स्पेसिफिक ग्लैंड में से स्पेसिफिक हार्मोन ही आएगा, लाइक थायराइड ग्लैंड में से थायराइड का जो आता है वही आएगा, मीन सब कुछ मिक्सअप नहीं है, हर एक में से स्पेसिफिक सब्सटेंस ही बाहर आएगा. सेकंड हार्मोन आर केमिकल कोऑर्डिनेटर. क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेटर है, दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक टारगेट सेल टिश्यू और ऑर्गन. दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के थ्रू. लास्ट दे सेक्रेशन इन द इंटरनली स्मॉल क्वांटिटी. देखो ये ऐसा नहीं है कि एक लीटर दो लीटर, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही वो सेपरेट होगा, जिसका जितना काम है वो उतना ही सेपरेट होगा. फिर देखो अब एक्सप्लेन हार्मोन रिलेटेड ग्रोथ मीन्स ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे ह्यूमन में. तो ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉइड मीन्स थायरोक्सिन हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन में क्या है, इट सीक्रेट्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये एग्जाम में आ चुका है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से. और ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट क्या करता है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ. ओके अब देखो इसमें ही उसका मैं बता देता हूँ कि अगर इम्बेलेंस होगा तो क्या होगा, कि अगर ग्रोथ हार्मोन इम्बेलेंस होगा तो ये दोनों चीजें होगी, एक जायंट एंड ड्वार्फिज्म. जायंट अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा आ गया तो ड्यू टू एक्सेस सेक्रेट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होगा कि जो आदमी या तो औरत जो भी होती है एक्सट्रीमली टॉल होती है. और सेकंड क्या है कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा, तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा तो ड्वार्फिज्म मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स. तो इसके कारण क्या होता है कि जो आदमी की अगर एज बड़ी हो जाती है ना तो भी आदमी की जो हाइट होती है वो छोटी रह जाती है. तो चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म मीन्स आदमी वेरी शॉर्ट रहता है. फिर सेकंड है थायरोक्सिन, इट सेक्रेट बाय थायरॉइड ग्लैंड. किससे, थायरॉइड ग्लैंड से. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन रेगुलेट करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, वो क्या कौन रेगुलेट करता है, थायरोक्सिन. दिस इज नेसेसरी टू बैलेंस द ग्रोथ ऑफ बॉडी. तो थायरॉइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन आता है, वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और ये सब बॉडी का बैलेंस भी ये करता है. तो इसमें से गोइटर, तो अगर आयोडीन मिलना चाहिए, अगर उतना मिलेगा नहीं थायरॉइड में से तो गोइटर. आयोडीन डेफिशिएंसी इन द अवर डाइट अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन एंड कॉज अ गोइटर. अगर हमारी बॉडी को जितना भी आयोडीन चाहिए उतना आयोडीन हमारी बॉडी को नहीं मिलता, तो उसके कारण एक डिजीज होता है जिसका नाम हमने दिया हुआ है गोइटर. ड्यू टू इनलार्ज थायरोक्सिन ग्लैंड स्वेलिंग आ जाती है गले में. आपने देखा होगा किसी का गला मीन्स अभी तो आयोडीन नमक आ रहा है ना,
तो अभी इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पहले ऐसा होता था। गोइटर में क्या होता है कि किसी भी आदमी या औरत का जो गला होता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा सूज मीन्स सूजन मीन्स स्वेलिंग आ जाती है। ओके, जो हो गई बात किसकी, गोइटर की। लास्ट कि अगर डायबिटीज, तो डायबिटीज में किसका लेवल कंप्लीट होना चाहिए वो तो हम सबको बताया कि डायबिटीज किसके कारण होता है, शुगर लेवल से। इफ इंसुलिन इज नॉट सेक्रेट इन द एप्रोप्रिएट अमाउंट, अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट में इंसुलिन नहीं आ रहा है तो शुगर लेवल जो है कभी राइज भी हो सकता है, कभी फॉल भी हो सकता है। तो शुगर लेवल राइजेज इन द ब्लड इज कॉल्ड डायबिटीज। देखो यहाँ पे तो राइज बोला है, लेकिन अगर लो भी होगा ना तो डायबिटीज कम हो गई है ऐसा भी बोल सकते हो आप, या तो मिस डायबिटीज में बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो ये ऊपर जो थे वो ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन की बात थी, अगर वो आपको एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहे तो जायंट ड्वार्फिज्म गोइटर होता है, और एक दूसरा आया था इंसुलिन, उसके कारण ये डायबिटीज भी होता है। ओके।